बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेवन्थ क्लास, अब जो आपकी बुक वर्क है उसको देख लें। प्रोटीन चेंज इनटू डैश ड्यूरिंग देयर डाइजेशन अमीनो एसिड्स। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डैश इज कॉल्ड वॉमिटिंग पेरिस्टाल्सिस। द डैश इज़ अ लार्ज ट्यूब दैट रन फ्रॉम माउथ टू द स्टमक। जो एक लार्ज ट्यूब जो कि आपके मुँह से लेकर स्टमक तक मूव करती है, इसको बोलते हैं एसोफेगस। ठीक है, स्पेलिंग आपने ठीक तरह से लिखने हैं। नेक्स्ट है फोर, द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड ड्यूडिनम। DUODENUM ड्यूडिनम। फर्स्ट पार्ट जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का उसको बोलते हैं ड्यूडिनम। द ग्रेप लाइक क्लस्टर्स ऑफ टिनी थिन वॉल्ड बलून्स इन द लंग्स आर कॉल्ड एल्वियोलाई। आपको पता है जो बलून शेप स्ट्रक्चर हैं, ग्रेप्स लाइक या बलून शेप स्ट्रक्चर होती हैं ये लंग्स के अंदर, उनको बोलते हैं एल्वियोलाई। डैश इज द अपर पार्ट ऑफ अ विंड पाइप इन आवर थ्रोट। सांस की नाली के साथ साथ जो विंड थ्रोट गले के साथ साथ जो नाली चलती है, ये ट्यूब चलती है, उसको बोलते हैं लेरंक्स। ठीक है, हवा का पाइप जो होता है उसको बोलते हैं लेरंक्स। द डोम शेप गुंबद नमा स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स की एट द बॉटम ऑफ आवर चेस्ट। हमारे चेस्ट के ऊपर जो गंदम नमा स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं डायाफ्राम। ठीक है, स्टमक के साथ ही जो है वो एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि उसको कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है, गुंबदनमा, उसे बोलते हैं डायफ्राम। उसके बाद है सर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर। मोस्ट डाइजेशन अकर इन द ड्यूडिनम, ए ऑप्शन। बी है वाटर इज द एब्जॉर्ब इन द लार्ज इंटेस्टाइन। वाटर जो एब्जॉर्ब होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। नंबर थ्री पे है बच्चों, हु प्रोड्यूस एंजाइम फॉर द फाइनल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। उसकी सी ऑप्शन है पैंक्रियास। कार्बोहाइड्रेट्स आर बेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम द ग्रेन्स। ठीक है, अनाज से हमें जो है मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। विच टीथ आर टॉलर एंड पॉइंटेड फॉर द पीर्सिंग। पीर्सिंग मीन चीरना किसी चीज़ को, स्लैशिंग मीन काटना, टेरिंग मीन फाड़ना द फूड, इसको बोलते हैं केनाइंस। आपको पता है जो नुकीले दांत हैं पॉइंटेड शेप के, उनको बोलते हैं केनाइंस। बी ऑप्शन है व्हेन यू इनहेल, जब आप सांस लेते हैं, योर डैश कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव डाउन। कौन सी चीज़ें जो हैं आपको कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, मूव जो है डाउन करती हैं, तो यहाँ पे है कि डायाफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स और मूव डाउन करता है। एयर इज़ मॉइस्चर फिल्टर्ड एंड वार्म इन द, आपको पता है जब आप हवा में सांस लेते हैं तो नाक के अंदर जो है वो हवा जो है वो थोड़ी गर्म भी होती है। ठीक है, इसके अलावा फिल्टर होती है और उसके अलावा नमी भी आ जाती है, उसको बोलते हैं नेजल कैविटी। एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर बिटवीन द डैश एंड डैश कैपलरीज ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में से है। एंड इन्फेक्शन ऑफ द नोज एंड थ्रोट। ठीक है, जो इन्फेक्शन गले और नाक का है इज कॉज बाय द वायरस इज कॉल्ड द कॉमन कोल्ड, उसको बोलते हैं कॉमन कोल्ड। द रिब केज, ठीक है, आपके जो पसलियों का जो पूरा पिंजरा है, दैट डैश व्हेन यू एक्सहेल, जब आप सांस लेते हैं तो ये मूव्स आप ऊपर की तरफ उठता है। ठीक है, बुक्स की रीडिंग भी होगी और आज आपने ये बुक वर्क भी नोट कर लेना है। बुक वर्क नोट करने से पहले बेटा आपने डेट लगाना नहीं भूलना, आज की जो डेट है वो है 3 मई 2021 और डे है मंडे, और साथ आपने अपना टेस्ट सबमिट करवाना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।